नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको सप्ताह के 7 दिनों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आप सभी तो जानते हैं सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो इंग्लिश और हिंदी में इनके नाम का मैंने लेखन किया है और उसका वाचन मैं करके आपको दिखा रहा हूं। डेज ऑफ द वीक अर्थात सप्ताह के 7 दिन। तो देखिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और वे 7 दिन कौन कौन से होते हैं उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। देयर आर 7 डेज इन द वीक अर्थात सप्ताह में 7 दिन होते हैं। संडे अर्थात रविवार, मंडे अर्थात सोमवार। संडे की स्पेलिंग है, देखिए, SUNDAY, संडे अर्थात रविवार। MONDAY, मंडे अर्थात सोमवार। इसके बाद है TUESDAY, ट्यूसडे अर्थात मंगलवार होता है। उसके बाद वेनसडे अर्थात बुधवार। इसके बाद है थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे अर्थात गुरुवार होता है। इसके बाद है फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे अर्थात शुक्रवार होता है। और इसके बाद है थर्सडे, सैटरडे अर्थात शनिवार जिसे कहते हैं। और सैटरडे की स्पेलिंग है, देखिए, SATURDAY, सैटरडे अर्थात शनिवार। तो इस तरह से ये सप्ताह के 7 दिन हैं और इन 7 दिनों के नामों की स्पेलिंग को आप अंग्रेज़ी में क्या करिए, याद करिए और उसका वाचन देखिए। एक बार मैं फिर से आपको करके बता रहा हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इस पर आधारित शिष्यवृत्ति के कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को मैं आपको हल करके बता रहा हूँ और उन प्रश्नों पर हम ध्यान देंगे। नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें इसके पहले हमने 7 दिनों के बारे में जानकारी प्राप्त किया, अब उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो स्कॉलरशिप में आते हैं और वो प्रश्न किस प्रकार से हैं, देखिए मैंने कुछ प्रश्नों का उदाहरण यहाँ दिया है, एग्जाम्पल है। क्वेश्चन फर्स्ट इज द विच इज़ द 4th day इन अ वीक इफ संडे इज द 1st day। क्वेश्चन को आपको एक दो बार और इसको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद आप इसके आंसर को समझ सकते हैं। विच इज द 4th day इन अ वीक इफ संडे इज द 1st day। प्रश्न है कि यदि हमारा संडे सप्ताह का पहला दिन है तो चौथा दिन कौन सा होगा। तो इसमें देखिए उत्तर में ऑप्शन है, फर्स्ट इज द ट्यूसडे, सेकंड वेनसडे, थर्ड इज थर्सडे एंड फोर्थ इज फ्राइडे। तो देखिए यदि संडे सप्ताह का पहला दिन होगा तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, फोर्थ डे इज द वेनसडे होगा। अर्थात इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, वेनसडे इज द राइट आंसर। तो आंसर में हम जा करके आंसर क्रमांक जो है ऑप्शन क्रमांक 2 को हम इस तरह से क्या करेंगे, इसको आंसर शीट में इसको इस तरह से गोल रंग देंगे तो इसमें हमें पता चल जाएगा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे एंड फोर्थ डे इज द वेनसडे आ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वेनसडे अर्थात सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, इज सेकेंड क्वेश्चन, विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न है देखिए विच डे
comes before Friday. तो अर्थात फ्राइडे के पहले कौन सा दिन आता है, बिफोर अर्थात पहले होता है, तो विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे, आंसर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज द थर्सडे, सेकेंड इज ट्यूजडे, थर्ड इज सैटरडे एंड फोर्थ इज द संडे. तो विच डे कम्स बिफोर फ्राइडे, थर्सडे कम्स बिफोर फ्राइडे, ऑप्शन इज द फर्स्ट, फर्स्ट इज द थर्सडे, सो आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट. आंसर शीट में जाके पहले क्रमांक को हम इस तरह से गोल कर देंगे कि द थर्सडे कम्स बिफोर फ्राइडे, अर्थात गुरुवार जो है वो शुक्रवार के पहले आता है. तो प्रश्न को हमें इस तरह से हल करना है. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है. क्वेश्चन थर्ड, विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे, ये भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन है. क्वेश्चन है विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे. आफ्टर मतलब ये बाद में होता है, बिफोर मतलब पहले होता, हमें ये यहाँ समझना है. आंसर है देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इज मंडे, सेकेंड इज द संडे, थर्ड इज ट्यूजडे एंड फोर्थ इज फ्राइडे. क्वेश्चन को इसको फिर से हम देखते हैं, विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे. तो आंसर इज द संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, अर्थात शनिवार के पहले कौन सा, शनि आफ्टर मतलब बाद में होता है, तो शनिवार के बाद कौन सा दिन आता है, शनिवार के बाद संडे आता है. संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, सो ऑप्शन इज द सेकेंड इज राइट आंसर. तो आंसर में हम ऑप्शन क्रमांक दो को हम इस तरह से क्या करेंगे, गोल कर देंगे कि क्वेश्चन है विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे, तो संडे कम्स आफ्टर सैटरडे, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच डे फॉलोज थर्सडे, विच डे फॉलोज थर्सडे, आंसर ऑप्शन इज द फर्स्ट इज वेनसडे, सेकेंड इज फ्राइडे एंड थर्ड इज सैटरडे, फोर्थ इज ट्यूजडे. यहाँ हमें ध्यान से पढ़ना है कि फ्राइडे कम्स आफ्टर सैटरडे, यानी फॉलोज अर्थात बाद में, थर्सडे गुरुवार के बाद कौन सा दिन आता है. फ्राइडे कम्स आफ्टर सैटरडे, सो फ्राइडे फॉलोज थर्सडे. फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे, शुक्रवार जो है गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है, इसलिए शुक्रवार जो है इसका आंसर होगा, आंसर इज द ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर. फ्राइडे कम्स आफ्टर सैटरडे थर्सडे, सो फ्राइडे फॉलोज थर्सडे, आंसर सेकेंड इज द राइट आंसर फ्राइडे. तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको गोल, प्रश्न है देखिए कि गुरुवार के बाद कौन सा दिन आता है, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है, थर्सडे के बाद शुक्रवार आता है. क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, फाइव भी इसी तरह से है और ये महीने से संबंधित है. क्वेश्चन फाइव, विच मंथ्स हैज़ मिनिमम डेज, अर्थात कौन सा महीना है जिसमें सबसे कम दिन होते हैं. आंसर फर्स्ट इज जनवरी, सेकंड फरवरी, थर्ड मार्च एंड फोर्थ अप्रैल. तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर. फरवरी इज द मिनिमम डे. फरवरी हैज 28 और 29 डेज, अदर हैव 30 और 31 डेज. तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर. फरवरी इज द राइट आंसर. तो इस तरह से हम पर्याय क्रमांक दो को इस तरह से हम गोल तरह से, बच्चों ये
डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर से संबंधित प्रश्नों को आप क्या करिए, हल करिए और उन्हें समझिए। थैंक यू, आल ऑफ यू, धन्यवाद सभी को।